आज के दिन हमारा विषय है कि माई वाइफी मीनिंग इन हिंदी क्या होता है। इंग्लिश के इन शब्दों का उपयोग अधिकतर विवाहित पुरुष ही करते हैं और सबसे पहले ही इस बात को समझ लेना चाहिए कि वाइफी शब्द अनौपचारिक इंग्लिश का भाग है और वाइफी शब्द की उत्पत्ति के समय भले ही इसका कोई भी अर्थ रहा हो, आज के समय में वाइफी शब्द का उपयोग अधिकतर प्रेम वश किया जाता है और वाइफी का हिंदी में भावार्थ होता है पत्नी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए माई वाइफी का हिंदी में भावार्थ होता है मेरी पत्नी। तो जब भी आपके जीवन में आपको मेरी पत्नी कहना हो और इन शब्दों का उपयोग प्रेम वश करना हो और अथवा अनौपचारिक भाषा में करना हो तो आप माई वाइफी शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। और उदाहरण के लिए यदि आपकी पत्नी का नाम समीक्षा है तो इस बात को प्रेमवश अनौपचारिक इंग्लिश में व्यक्त करने के लिए आप कह सकते हैं, समीक्षा इज माई वाइफी। और इस वाक्य का हिंदी में भावार्थ होगा कि समीक्षा मेरी पत्नी है अथवा समीक्षा मेरी पत्नी हैं। और अब यह वीडियो यहाँ पर पूरा हो गया है।